कार्टून टीवी। देवीपुर नाम की एक गांव में कमला अपने दो बेटे सुरेश और देवेश के साथ रहती थी। कमला के पति एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे, तभी से कमला अपनी दोनों बेटों को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा कर रही है। कमला की बड़ा बेटा सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा खासा दिन गुजर रहा था। एक दिन कमला अपने बड़े बेटे सुरेश को कहने लगी, बेटा सुरेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? तुम अब अच्छी नौकरी करने लगे हो, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती है, अब तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए बेटा। क्या तुम मेरे लिए लड़की देखी हो माँ? नहीं बेटा, अगर तुम बोलोगे तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूंगी। नहीं नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा, उसे एक दिन घर पे बुलाओ। ठीक है माँ, पर उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, वो अकेली है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसे शाम को ही घर पे बुलाओ, मैं भी तो देखूं मेरा बेटा कैसा लड़की पसंद किया है। सुरेश ने उसी दिन शाम को निर्मला को घर पे ले आया। शाम को निर्मला सुरेश के घर में आया। निर्मला को देखकर कमला का होश उड़ गया और कमला ने बोला, अरे सुरेश बेटा, इतनी लंबी लड़की, अरे ये तो हमारे घर की छत तक पहुंच जाएगी। अरे बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निर्मला है आंटी। वाह, बहुत अच्छी है। तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी। कमला ने निर्मला को देखकर मन ही मन में आनंद हुआ और बोली, कितनी लंबी बहू है, इस गांव में तो ऐसी लंबी कोई नहीं है। कमला ने एक अच्छा दिन देखकर निर्मला और सुरेश की शादी करवा दी। कमला निर्मला को बहुत प्यार करने लगा। कुछ दिन बीत गए। निर्मला इतनी लंबी होने के लिए उसे हर काम में तकलीफ होता था। जब कमरे में जाती थी या निकलती थी, दरवाजे से टकराती थी। खाना पकाते वक्त उसे बहुत झुककर काम करना पड़ता था। निर्मला की लंबाई से पूरे गांव में सिर्फ निर्मला की ही चर्चा होने लगी और ये सुनकर कमला को बहुत अच्छा लगता था। पर कोई कोई मजाक भी करता था तो कमला जाके उन्हें मना भी करती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। अचानक एक दिन कमला का छोटा बेटा देवेश ने किसी को कुछ भी बिना बताए एक नाटी लड़की पूजा से शादी करके घर ले आया। माँ, कहाँ हो तुम? अरे देवेश, तुम और तुम्हारे साथ ये नाटी सी लड़की कौन है? क्या तुमने शादी कर लिया? हाँ माँ, ये पूजा है, मैं उससे शादी कर ली। ये कैसी लड़की है, इतनी नाटी सी, इतनी छोटी सी, तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली क्या? ऐसा मत बोलो माँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, घर का सब काम करती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मेरे दोनों बेटे ने तो हद ही कर दी। मेरी एक बहू है खंबे जितनी लंबी और दूसरी लिलीपुट जितनी छोटी नाटी। ठीक है, शादी कर ही लिया है तो घर में लेकर आओ। देवेश पूजा को कमरे में ले गया। पूजा को निर्मला से दिखने में अच्छी थी और इस बात से निर्मला को जलन होती थी। एक दिन, छोटी बहू पूजा, मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर देना जरा। ठीक है माँ जी। पूजा अपनी सास की कमरा साफ करने जाता है, लेकिन पूजा नाटी होने की वजह से सीलिंग तक पहुंच नहीं पाती है और रोती रहती है। तभी निर्मला आकर बोलती है, अरे हट रे नाटी, तू है ही इतनी छोटी सी, तू क्या काम करेगी? तू हट, मैं काम कर देती हूँ, मेरी हाइट देखी है, ऊंची सीलिंग तक पहुंच जाऊंगी। ये कह के निर्मला पूजा को हटा के सास की कमरे की साफ सफाई कर दी। अगले दिन सुबह निर्मला उसकी दोनों बहू को लेकर मॉर्निंग वॉक पे जाने लगे।
तभी रास्ते में एक पेड़ में बहुत सारे फल देखकर निर्मला ने कमला से कहा, माँ जी क्या आप फल खाएंगी? हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी पेड़ से तोड़कर देती हूँ। निर्मला लंबी होने के कारण हाथ से ही फल तोड़ के कमला को दी और कमला ने खा के बोली, बड़ी बहू तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, तुम्हारी लंबाई कितनी काम में आती है, और ये छोटी बहू इतनी नाटी है कि कोई भी काम नहीं कर पाती है, मैं क्या करूंगी इसकी। कमला की ऐसी बात सुनकर नाटी बहू पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई घर वापस चली जाती है। निर्मला भी हमेशा पूजा को नाटी बोलकर चिढ़ाती रहती है और एक दिन निर्मला बोली, अरे मेरी लंबाई तो किसी काम में आती है, लेकिन तुम इतनी नाटी हो कि तुमसे तो कोई काम भी ठीक से नहीं होता है। अब तो माँ जी भी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगी है, अब तुम क्या करोगी। कमला भी अब पूजा से निर्मला को ज्यादा पसंद करने लगी थी। पूजा को ये सब बात बहुत बुरा लगता था और उसने सोचा कि फिर से पढ़ाई चालू कर देगी। जैसा सोच वैसा काम, पूजा ने पढ़ाई शुरू कर दी और नौकरी की पढ़ाई करने लगी। पूजा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पूजा ने जी जान लगाकर पढ़ाई की और नौकरी की परीक्षा पास कर गई और एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। इस सारे गांव में फिर से चर्चा होना शुरू हो गया, लेकिन इस बार पूजा की नौकरी को लेकर। तभी पूजा घर आती है। पूजा थी बहुत शांत किस्म की लड़की। ये लो माँ जी मिठाई खाओ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तुम्हें और बड़ी दीदी को कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उम्र हो रही है और निर्मला दीदी भी इतनी लंबी होने के वजह से काम करने में तकलीफ होती है, और मैं भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं एक काम करूंगी, एक काम करने वाली बाई रख लूंगी। छोटी बहू मैंने तुझसे इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तूने हमारे बारे में इतना सोचा है। हाँ पूजा, मैंने भी तो तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला है, कितने बार ताने भी मारे हैं, फिर भी तुम हमें इतना प्यार करती हो, हम लोगों की इतनी फिकर है तुम्हें। माँ जी कोई लंबा या नाटी अपनी मर्जी से तो नहीं होती है ना, भगवान जिसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा ही होता है, इसमें हमारी कोई हाथ नहीं होती। और हर इंसान की कोई एक खूबियाँ होती है, जैसे निर्मला दीदी लंबी होने के लिए बहुत फायदा होता है, इसीलिए किसी भी इंसान को उसकी रूप या हाइट से नहीं देखना चाहिए, उसकी गुण से जानना चाहिए। हमें माफ कर दो बेटी। हाँ पूजा हमें भी माफ कर दो, हमें शर्मिंदगी है अपने काम की वजह से। अब से तुम मेरी छोटी सी बहन हो, अब तुम्हें मैं कभी नहीं चिढ़ाऊंगी। उसके बाद से कमला अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं को लेकर खुशी से रहने लगे। सीमा अपने इकलौते बेटे अजय को लेकर छोटा सा शहर में रहता था। अजय के पिता ड्राइवर थे। अजय के बचपन में एक रोड एक्सीडेंट के कारण उसके पापा का देहांत हो गया था। तब से सीमा अकेले ही उसके बेटे अजय को पाल रही थी। माँ मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दो। सीमा ने अजय को खाना दिया। माँ मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे दूध चाहिए, मुझे आप दूध लाकर दो ना। घर में तो दूध नहीं है बेटा। मुझे नहीं पता, मुझे बस दूध पीना है, अब मुझे लाके दो। ठीक है मैं पड़ोसी सुनीता के पास जाके देखती हूँ उसकी गाय का दूध है या नहीं। ये बोल के सीमा सुनीता के पास गई और बोली, सुनीता, ओ सुनीता बहन घर पे हो क्या? हाँ सीमा बोलो क्या बात है? तुम्हारे घर में आज गाय ने दूध दिया है क्या?
तुम्हारे घर में दूध है क्या? मेरे बेटे को दूध बहुत ही पसंद है, तुम मुझे रोज थोड़ा दूध देना। लेकिन उसके लिए तो पैसे लगेंगे। पैसा? सुनीता बहन, पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम मेरे घर में काम कर लो, उसके बदले में तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए दूध भी दूंगी और कुछ पैसे भी दूंगी, उससे तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ठीक है सुनीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से सीमा सुनीता के घर काम करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के लिए रोज शाम को दूध भी ले जाता था। दिन बीतते गए, छोटा अजय अब बड़ा हो गया। स्कूल पास करके वो कॉलेज में उठ गया था। एक दिन जब शाम को सीमा घर पे आई तब अजय बोला, माँ कुछ दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, मुझे विदेश जाना है। सुना है वहाँ अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा खासा तनख्वाह भी देते हैं। विदेश में नौकरी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छा देते हैं? हाँ माँ, मुझे एक बार नौकरी मिल जाने दो, उसके बाद तुम्हें मैं कोई भी काम नहीं करने दूंगा। हाँ बेटा, तब तो मैं सिर्फ आराम करूंगी, तब मेरा बेटा नौकरी करेगा, मुझे तब कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन माँ, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? वो तुम मत सोच, मैं देखती हूँ। सीमा अपने सारे गहने गिरवी रख के कुछ पैसे लेकर आई और पड़ोसी सुनीता के पास जाकर कहा, सुनीता क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? हाँ बोलो, क्या करना है? मुझे कुछ पैसा उधार दोगी, मैं काम करके तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। सुनीता ने सीमा को पैसा उधार दिया और कुछ ही दिनों के अंदर अजय विदेश नौकरी के तलाश में चला गया। अजय वहाँ विदेश में नौकरी ढूंढ रहा था और यहाँ सीमा काम करके अपनी उधारी का पैसा चुका रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया और एक दिन सुबह को अजय ने अपनी माँ को फोन पे कहा, हेलो माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? ठीक तो है ना? ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें खुशखबरी देना था। क्या क्या? बोलो बेटा। माँ मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में अधिकारी की नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज जाके मंदिर में पूजा कराऊंगी। सुनो माँ, तुम अब से कोई काम नहीं करोगी, मैं पैसे भेजूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अजय हर महीने अपनी माँ को पैसा भेजता था। दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन अचानक से अजय ने माँ को पैसा भेजना बंद कर दिया। तब सीमा ने अजय को फोन किया और कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बोलो क्या काम है? बेटा तुम कुछ दिनों से पैसा नहीं भेज रहे हो। वो माँ, मैंने शादी कर ली इसलिए नहीं हो पाया। तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? अचानक सब हो गया माँ, समय नहीं मिला बताने को। तुम हमारे पास आ जाओ माँ, हमारे साथ रहो। ठीक है बेटा। बेटे की बात मानकर सीमा अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए चली गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन दिन बीतते ही बहू टीना ने सास सीमा को नापसंद करना शुरू कर दिया, ठीक से खाना भी नहीं देती थी। मॉम, आज मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी, आप कुछ पका लेना। ठीक है बहू। और घर का भी झाड़ू पोछा लगा देना। ठीक है बहू। टीना अपने सास सीमा के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी नहीं रुकी। अजय का भी काम बढ़ गया था। क्या अजय, तुम्हारी माँ सारा दिन घर में गंदे कपड़े पहन के रहती है, घर में कितने लोग आते हैं देखेंगे तो क्या बोलेंगे सब, क्या सोचेंगे? तुम्हारी माँ जानबूझकर ये सब करती है, उन्हें बोलो कि अपने शहर वापस चली जाए। तुम ठीक ही बोल रही हो, माँ ये सब जानबूझकर ही कर रही है। बहू और बेटे की ये सारी बात सीमा ने सुन ली और उसे बहुत ही दुख हुआ। सीमा रोने लगी, किसी को कुछ भी ना बोलकर एक खत लिखकर अपने शहर वापस चली गई।
अजय ने जब खत पढ़ा उसमें लिखा था, मैं अपने शहर वापस जा रही हूँ, तुम और बहू खुश रहना। सीमा अपने शहर वापस चली गई और अजय और टीना वहाँ रहने लगे, नौकरी करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद अचानक से अजय बीमार हो गया। अजय ने डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर बताया अजय की दोनों किडनी खराब हो गई है और किडनी बदलना ही पड़ेगा। अगर किडनी बदला नहीं गया तो अजय कभी भी मर सकता है। ये बात अजय ने अपनी बीवी को बोली। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे किडनी दोगी? मैं कैसे दे सकती हूँ? तुम कोई डोनर क्यों नहीं ढूंढते हो? अजय सब जगह डोनर की तलाश करता रहा और एक दिन डॉक्टर ने अजय को बोला कि डोनर मिल गया, ऑपरेशन करवा लो। अजय का किडनी का ऑपरेशन हो गया। कुछ दिनों के अंदर अजय ठीक भी हो गया। तब अजय बीमार था, तब सभी कोई अजय से मिलने आया था। एक दिन टीना बोली, तुम्हारे बीमारी में सब तुमसे मिलने आए, लेकिन कैसे माँ है तुम्हारी, एक बार भी देखने नहीं आई। ये बात सुनकर अजय को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तभी फोन बजने लगा। आया, मैं बिट्टू चाचा बोल रहा हूँ शहर से। तुम्हारे घर से बहुत बुरा बदबू आ रहा है, तुम जल्दी आओ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आता हूँ। अजय तुरंत शहर आ गया, दरवाजा तोड़ के देखा उसकी माँ मरी पड़ी हुई थी। अजय ने अपनी माँ की सत्कार किया और तभी बिट्टू चाचा ने उसको कहा, कैसे बेटे हो तुम, अपनी माँ को इस तरह कोई कष्ट देता है भला? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी एक किडनी तक तुम्हें दे दी। क्या? मुझे किडनी मेरी माँ ने दिया? हाँ, तभी तो तुम्हें देखने नहीं जा पाई बेचारी, ना जाने मरते वक्त कितना तकलीफ हुआ था। अजय ये सारी बात सुनकर रो पड़ा। वो अंदर ही अंदर पूरा टूट गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। काश ये सब पहले पता चलता तो शायद उसकी माँ इस तरह से नहीं मरती।